इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट बेस्ड मूवीज के बारे में। गाइस बॉलीवुड में बहुत कम क्रिकेट बेस्ड मूवीज बनी है क्रिकेट के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज है जो आप लोग देख सकते हैं और कुछ ऐसी टॉप पे मूवीज रही थी जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया था। खास करके ऐसी 2-3 मूवीज जो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि मैं 1-2-3 के रैंक में रखने वाला हूँ। सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपको कोई टाइम वेस्ट किए। नंबर 10 की पोजीशन में है गाइस अजहर मूवी। ये एक बायोग्राफी है गाइस अजहरुद्दीन की, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और कैसे वो मैच फिक्सिंग में फंसे और उससे बाहर निकले गाइस। उसके बाद से उन्होंने कितने सारे कोर्ट केस और कितने सारे स्ट्रगल की इस इल्जाम से बचने के लिए गाइस। तो इस मूवी में आप लोग को ये दिखाया गया, लेकिन ये प्रॉपर क्रिकेट बेस्ड मूवी तो है बट लेकिन ये गाइस बायोग्राफी मूवी है और हम लोग इस लिस्ट पे नहीं डाल सकते थे। लेकिन फिर भी इंडिया में इतने कम, बॉलीवुड में खासकर इतने कम क्रिकेट बेस्ड मूवीज थे, तो इसलिए हमको इस लिस्ट में डालना पड़ा। तो ऐसे नंबर 9 की पोजीशन में MS धोनी मूवी है। ये भी गाइस एक बायोग्राफी मूवी है, MS धोनी की बायोग्राफी। उसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं सकता, आप सभी ने देखा होगा तो आप लोग इस मूवी को भी जरूर जाके अगर देख लीजिए अगर नहीं देखा होगा, इसलिए ये भी नंबर 9 पे। हालांकि ये मूवी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन नंबर 9 पे इसलिए क्योंकि ये इस लिस्ट पे इतनी ज्यादा आने लायक नहीं है, क्योंकि ये एक बायोग्राफी मूवी है गाइस। मतलब इसके बाद से जो भी मूवी मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो प्रॉपर क्रिकेट बेस्ड मूवीज है गाइस, जो कि आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। नंबर 8 की पोजीशन में दिल बोले हड़प्पा। इस मूवी के लीड रोल में शाहिद कपूर और रानी मुखर्जी थी, जिसमें गाइस रानी मुखर्जी को रहता है क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और इनको हमेशा क्रिकेट खेलने के बारे में सोचती रहती है। लेकिन ये रहती है एक डांस ग्रुप में रहती है जहाँ पर से वो डांस करती है, बट इन्हें क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था। अब गाइस होता क्या कि ये लड़की थी तो ये क्रिकेट खेल नहीं पा रही थी उस पोजीशन पे, तो गाइस ये करती क्या है कि अपनी पूरी भेष रूप सब कुछ चेंज कर देती है और लड़के में चेंज होता जाती है और लड़कों की पोजीशन में जाके सिलेक्ट हो जाते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में वो शाहिद कपूर जो कि कैप्टन रहते हैं गाइस। तो ये मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉमेडी मूवी भी है गाइस। तो ये मूवी आप लोग जाके जरूर देखना। नंबर 7 की पोजीशन में जन्नत। इसके लीड रोल में इमरान हाशमी और इसमें कैसे इमरान हाशमी क्रिकेट से ज्यादा मैच फिक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, मीन्स मनी के लिए वो कुछ भी कर सकते थे क्रिकेट में। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें अपने प्यार और पैसे के बीच में एक पोजीशन एक को चुनना पड़ता है गाइस। लेकिन इसमें क्रिकेट का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, मीन्स ये एक है तो क्रिकेट बेस्ड मूवीज लेकिन इसमें मनी प्यार और क्रिकेट ये तीन का फॉर्मूला इसमें लगाया गया है। तो ये मूवी आप लोग जरूर देखेगा, बहुत ज्यादा आप लोग को पसंद आएगी। नंबर 6 की पोजीशन में काय पोचे। इस मूवी की कहानी में गाइस होते हैं 3 दोस्त, जिसमें से एक दोस्त कैसे एक छोटे से मुस्लिम लड़के के टैलेंट को देखता है और उसको क्रिकेट सिखाने की बात करता है गाइस। आगे वो उसकी कोचिंग देने लगता है लेकिन उसी वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। अब इसी बीच वो कैसे क्रिकेट की कोचिंग देता है और कैसे उस लड़के को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसमें रहते हैं 3 दोस्त है, जिसमें से एक रहता है सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और अमित साध रहते हैं। ये तीनों दोस्त कैसे एक कोचिंग देते हैं गाइस, और सुशांत सिंह राजपूत का ये तीनों दोस्त ही एक साथ कोचिंग देते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस कोचिंग देने की शुरुआत करते हैं। तो ये मूवी भी आप लोग जरूर देखिएगा, हाईली रिकमेंड और वन ऑफ द बेस्ट मूवी है जो कि क्रिकेट बेस्ड है। नंबर 5 की पोजीशन में फरारी की सवारी। कैसे सरमन जोशी अपने बेटे का सिलेक्शन करवाने के लिए फरारी की चोरी करता है, सचिन तेंदुलकर की वन एंड ओनली फरारी कार को चोरी करता है। और इस मूवी में गाइस क्रिकेट के साथ साथ बाप बेटे और दादा की कॉम्बिनेशन भी दिखाई जाती है गाइस। ये मूवी बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाल नहीं करी थी लेकिन ये फिर भी मूवीज क्रिटिक्स द्वारा बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। तो फरारी की सवारी भी आप लोग जरूर देखेगा। नंबर 4 में पटियाला हाउस। अक्षय कुमार की ये मूवी थी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था, अनुष्का शर्मा भी इसमें लीड रोल में थी और ऋषि कपूर इसमें लीड रोल में थे। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है गाइस कि ये लोग रहते हैं इंग्लैंड में, अक्षय कुमार को इंग्लैंड के लिए खेलना था क्रिकेट, बट ऋषि कपूर की मेल मिलाप इन लोगों से नहीं बनते थे, मतलब ऋषि कपूर चाहते थे कि वो क्रिकेट नहीं खेले। इस बीच कैसे वो छुप छुप के ऋषि कपूर से छुप छुप के वो क्रिकेट खेलते और इंग्लैंड टीम तक सिलेक्ट हो जाते एक बॉलर से बॉलर के तौर पर, कैसे वो इंग्लैंड टीम को मैच जिताते हैं। तो ये मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड, इतनी ज्यादा तो नहीं चली थी बट बहुत ही बढ़िया मूवी है ये। नंबर 3 पे आप सभी की फेवरेट मूवी चैन खुली की मैन खुली। कैसे एक अनाथ लड़का क्रिकेटर बन जाता है, किसी की नजर पड़ जाती है, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच की नजर पड़ जाती है और वो क्या बोलते हैं कैसे बन जाता है गाइस अपने मैजिक बैट से एक क्रिकेटर, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में, वो खेलता है पाकिस्तान को धो डालता है, सेंचुरी को सेंचुरी मारता है। आपने ये मूवी तो जरूर देखी होगी, मुझे पता है गारंटी के साथ आप लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी। इसमें राहुल बोस भी है लीड रोल में, तो आप लोग को कुछ ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो मेल जो लोग बहुत ज्यादा पसंद आएगा इस मूवी में, तो जरूर आप लोग ये मूवी जरूर देखेगा।
नंबर टू की पोजीशन में इकबाल। गैस इस मूवी के लीड रोल में श्रेयस तलपड़े थे जो कि एक घूंगे और बहरे का रोल प्ले करते हैं। गैस इस मूवी में उनको क्रिकेट का चस्का लग जाता है और उनको इंडियन क्रिकेट टीम में जाना रहता है, लेकिन वो लोग कैसे जाए इसके लिए वो ढूंढते हैं एक कोच जिनमें नसरुद्दीन शाह ने उनकी हेल्प की थी, मतलब नसरुद्दीन शाह ने इसमें कोच का प्ले किया था रोल। तो गैस इस मूवी में आपको इंस्पायर होने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे, कैसे गूंगा बहरा गरीब घर का आदमी कैसे एक इंडियन क्रिकेट टीम तक जा सकता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और अपनी कैसे इसने अपनी पूरी लाइफ को अपनी सवारा क्रिकेट से। तो आप लोग ये मूवी जरूर देख लेना गाइस। नंबर वन की पोजीशन में इंडियन सिनेमा की वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट मूवी है। इस मूवी का नाम है लगान। इस मूवी को आशुतोष गवर्कर ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी के लीड रोल में आमिर खान थे। गाइस होता क्या है, ये टाइम पीरियड मूवी होती है जिसमें जब ब्रिटिश लोग राज करते थे और लगान वसूलते थे, तो एक गांव में ऐसे ही वो लोग लगान वसूलते थे लेकिन गांव वाले नहीं देना चाहते थे। आमिर खान के साथ फिर उनका चैलेंज होता है कि अगर तुम लोग जीतोगे तो हम लोग लगान नहीं देंगे और 3 साल तक माफ कर देंगे। तो आमिर खान ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जबकि किसी को भी क्रिकेट खेलना नहीं आता रहा। फिर उन्होंने कैसे क्रिकेट सीखा और उनको लास्ट में जाके हराया, खून पसीने की अपनी मेहनत की और इन लोगों को पूरे ब्रिटिशर्स को हरा दिया क्रिकेट में, और कैसे इन्होंने अपनी लगान बचा लिया। तो इस मूवी का ये जो कहानी है बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग कहानी है, आप लोग जरूर इस मूवी को देखेगा, हालांकि सब कोई देख चुके होंगे। तो ये थी गाइस कुछ टॉप 10 बेस्ट क्रिकेट बेस्ड मूवी जो कि आपने अभी तक अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देख लो। बॉलीवुड में इससे अच्छी क्रिकेट बेस्ड मूवीज अभी तक नहीं बनी है, तो इन मूवीज को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देख लो। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए होगी प्लीज लाइक कर दें, और इस वीडियो में प्लीज आप लोग कमेंट भी जरूर करेंगे आप लोग कौन सी मूवी पसंद है और कौन सी मूवी आप लोग देखना चाहेंगे आगे। सो गाइस अगर आप लोग ने ये वीडियो देख चुका है, इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।